पहली पारी में बनना हो संकट मोचन या दूसरी पारी में जिताना हो मुकाबला, यशदूल का ये नाम है आता, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही किया। काम है ये टेस्ट मुकाबले में 90 जरूर बनाया था, लेकिन वो शतक से कुछ कम नहीं था। भारत जो स्थिति में था जहां से निकाला था, भारत को पहले इनिंग में 307 तक पहुंचाया था। जरूर भारत रहा था पीछे, लेकिन इंग्लैंड को कल दी बल्लेबाजी और बल्लेबाजी में धराशायी किया। 53 ओवर्स में उनको ऑल आउट किया, 145 रन ही सिर्फ बनाने दी, और जो लीड था उसको भी धरा अपने कब्जे में किया। 5 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने चटकाए, स्पिनर का था बोल बाला, 10 के 10 विकेट चटकाते नजर आए। जडेजा ने एक विकेट झटकाया तो कुलदीप के 4 नजर आए, जहां सबसे इकोनॉमिकल रहे कुलदीप 1.5 की इकोनॉमी के साथ। और बताएं आपको, 5 विकेट से जीत गया भारत, ये मुकाबले को अपने नाम कर लिया है, श्रृंखला को भी। बताते हैं अब आपको, शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो इंग्लैंड ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का क्या फैसला था, 353 रन बनाए थे, भारत को उससे पीछे रहना पड़ा था। जरूर उनके जितने ही बल्लेबाजी की थी, लेकिन भारत ने रन रेट कम रहता है भारत का जब बल्लेबाजी करते हैं भारत टीम है, तो 307 रन बनाने में कामयाब थी भारत। इंग्लैंड की दाई थी बल्लेबाजी, 145 रन पे समेट दिया उनकी पारी को। 60 तो जैक क्रॉली ने बनाए, 15 डकेट के थे तो 30 बेंच क्विक नजर आए, और बाकी सब तो धराशायी होते नजर आए। बताएं आपको जब आई भारत की बल्लेबाजी दूसरी इनिंग में, तो रोहित शर्मा 55 कप्तानी पारी, 52 शुभमन गिल बनाकर रहन आबाद, और 37 यशस्वी जायसवाल, 39 ध्रुव जुएल ने जड़े, और 0 पे लौटे सरफराज खान। जडेजा ने भी सिर्फ 4 ही रन बनाया। रजत पाटीदार एक और बार 0 पे जाते नजर आए, तो रजत पाटीदार पहले इनिंग में जरूर अच्छे लगे थे, 17 रन जरूर बनाया था, 42 बॉल भी खेले थे, लेकिन दूसरी पारी में वापस 0 पे जाते नजर आए। अब दूसरे मैच लास्ट मैच में उनके ऊपर शंका जरूर रहेगी, क्या उनको मिलेगा मौका नहीं, वो दूसरे दिन की बात है। लेकिन भारत ने इस श्रृंखला को चौथे ही टेस्ट मुकाबले में अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड जो आया था मनसूबे से जीतने के, वो तो हो नहीं पाएगा, वो ये बात ये दौरे में एक और बार बता दिया है। अभी आप देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।